छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात हुई है। बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मामूली विवाद पर हिस्ट्री शीटर सलमान ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मुजगहन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किसी बात को लेकर इनके बीच वाद विवाद हो गया। यह विवाद इतना बड़ा कि हिस्ट्री शीटर सलमान गिट्टी, विनय शर्मा, राजा शर्मा और प्रमोद तिवारी ने विनेश सेंद्रे नाम के युवक को चाकू मार दिया। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। रात में जब यह घटना घट रही थी, तब वहां मौजूद कॉलोनी के लोगों ने पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया। मुजगहन थाना प्रभारी आरएन पांडे के मुताबिक बीती रात निगरानी बदमाश सलमान गिट्टी, राजा शर्मा, पंकज तिवारी और विनय शर्मा देर रात बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गए हुए थे। इसमें से आरोपी राजा शर्मा कोतवाली इलाके का हिस्ट्री शीटर रवि साहू का भांजा है। बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी विनेश सेंद्रे से आरोपियों का किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद सभी आरोपी वहां से चले गए। कुछ ही देर बाद आरोपी फिर वापस आ गए और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कुछ घंटे पहले हुए विवाद के चलते विनेश सेंद्रे को चाकू मार दिया। चाकू के हमले से विनेश सेंद्रे घायल हो गया। वहीं घटना के बाद से सभी आरोपी वहां से फरार हैं, जिसकी पतासाजी की जा रही है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.